क्या हालत है? ऐसी सरकार किसी को वोट देगी? नेताओं को वोट देने का कोई फायदा तो है नहीं, क्या फायदा है बताइए? ये सारी गलियों की हालत, रास्ते निकलने के लिए रास्ते नहीं है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, बच्चे खेल नहीं सकते, घरों से बाहर तो निकलना दूर, खेल भी नहीं सकते। अगर बात करें ये कि रास्ते का निर्माण अस्थायी तौर पे क्षेत्र के लोगों द्वारा किया गया तो है, आए दिन है, ये तो आज नया नहीं है, ये तो हर बार का है। वोट तो ऐसे लेते हैं कि क्या कहते हैं, जैसे बहुत काम करेंगे। वोट लेने का कोई देने का कोई फायदा नहीं है, तो वोट उसको दिया जाता है कि हाँ भाई नजरों से इंसान काम करता हुआ नजर आए, वो चीज है ही नहीं। यहाँ पर गंद इतना है कि देखो आप खुद देख रहे हो, बीमारियां, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब एक बार बताइए, इतना इंसान यहाँ लगाए, इतना बच्चों पे लगाए, क्या फायदा है सिर्फ सरकार को वोट देने का? कोई फायदा नहीं है। एक तरफ स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं, बच्चों के ऊपर प्रभाव भी पड़ रहा है, और जो स्थितियां हैं, क्या कहेंगे आप सरकार के लिए? कुछ नहीं, हमें तो सरकार, ऐसी सरकार को हम क्या करेंगे, रखकर देखेंगे कि जो सरकार क्या कहते हैं, स्कूल बंद है, बच्चे घरों में तो बैठेंगे नहीं, बाहर तो निकलेंगे, बाहर बच्चे खेलेंगे, जब उनके लिए खेलने की जगह ही नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे बताइए? घर में भी बच्चे बैठे हुए हैं, बाहर तो निकलेंगे ही ना, जब स्कूल नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे हालात में कैसे बच्चे घर से बाहर निकलेंगे? अंकल बहुत ही बुरा हाल है यहाँ पे, मच्छर रहा है, इतना बुरा हाल हो रहा है, बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ का, यहाँ गली नहीं बनेगी, बहुत बुरा हाल हो रहा है, कहीं कहीं नहीं जा पा रहे हम, ट्यूशन भी नहीं जा पा रहे, सिपारा पढ़ने भी नहीं जा पा रहे 10 दिन से अंकल, बहुत दिन हो गए। घर में रहते हो? जी अंकल घर में रहते हैं। तो आप लोग खेलने पहले कहाँ खेलते थे, पानी वगैरह भर गया तो? अंकल यहीं खेलते थे, अब तो पानी भर गया, हम कहीं नहीं खेल पा रहे। अब जैसे पुल बनाया हुआ, इसके ऊपर से आप आते जाते, चोट लगने का डर भी रहता है? जी सर, कहना ये है कि यहाँ के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, मतलब इतने बदतर हो चुके हैं कि पानी जो है घुसते घुसते गलियों के अंदर, गलियों से जो है घरों के अंदर, और सारे रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। अब हमारे पर ये हालत हो चुकी है कि पानी घरों के अंदर भी है, घरों के बाहर भी है, गलियों में भी है, और जो है हम कहीं नहीं जा पा रहे। ये मजबूरी में आप देखिए हमने किस तरीके से रास्ता बनाया है, ताकि जो है घर का सौदा सुलभ लिया है, कोई आटा चावल लिया है, इतने हालात बदतर हैं, कोई आ नहीं पा रहा, कई बुजुर्ग जो है यहाँ से जो है चलते हुए गिर भी गए हैं, और उनको चोट भी लगी है, खुद हमारी वालिदा, हमारी मम्मी के भी चोट लग चुकी है, पैर की हड्डी जो है फ्रैक्चर आ गया था इन्हें हालात में निकलने की वजह से, क्योंकि शुगर की मरीज है, दवाई लेने के लिए जाना पड़ा लेकिन निकल नहीं पाए। क्या कारण है कि यहाँ दावे किए जा रहे हैं, चाहे दिल्ली सरकार के दावे हों या नगर निगम के दावे हों, काम कराया जा रहा है लेकिन धरातल पर कुछ दिख नहीं रहा, क्या कहेंगे? सर दावे बड़े बड़े हैं, और हो सकता है और जगह काम हो भी रहा हो, लेकिन हम क्योंकि यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ की बात करेंगे, तो यहाँ पर जो भी कहा जा रहा है उसका ज़मीन पे वो सब कुछ शून्य है, ज़मीन पर उसका कुछ भी नहीं है, धरातल पे जो है जीरो है मामला। आगामी निगम इलेक्शन आने वाले हैं, आपका वोट किस तरीके का रहेगा? जो जनप्रतिनिधि दावे करते रहे विकास को लेकर, इन स्थितियों को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सर अभी जो मौजूद है यहाँ पर, हमने उन्हें वोट दिया था, बड़ी खुशी के साथ वोट दिया था, और जो है हम तो आगे भी जो है उन्हें ही देना चाहते थे। अब देखते हैं कि कैसे हालात बनते हैं, अगर हमारी सुनवाई होती है, हम यहाँ पे जमीनी स्तर पे काम होता है, लोगों की समस्याएं दूर होती है, तो हम दोबारा उन्हें वोट देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर हम उसके बाद सोचना पड़ेगा क्या करना है उसके बारे में।